हाय दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हैं शुभम वॉइस। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे नॉइस के एक सस्ते और अच्छे ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये काफी अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों वीडियो को, क्योंकि वीडियो बनाने की आगे मोटिवेशन मिलती है। लाइक कर लेते हैं आप दोस्तों। चलिए दोस्तों करते हैं इसकी नॉइस के ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक ब्लूटूथ स्पीकर की, जो है नॉइस की तरफ से आता है। यहाँ पे देख सकते हैं नॉइस की ब्रांडिंग है और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है जेस्ट 3 वाट। दोस्तों ये जेस्ट 5 वाट में भी आता है, 3 वाट का है। ये मैंने अमेजोन से 1100 रुपये के का खरीदा है। चलिए दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। लेकिन कुछ मैं इसके की हाईलाइट्स फीचर्स आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें हमें 3 वाट साउंड आउटपुट मिलता है, TWS का सपोर्ट मिलता है, मतलब ऐसे ही दो स्पीकर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके संग हम एक स्पीकर को और रख देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ऐसा ही होगा। तो दो स्पीकर हम कनेक्ट कर सकते हैं। 8 घंटे का हमें टोटल प्ले टाइम मिलता है। डुअल की EQ का सपोर्ट भी मिलता है हमें। चलिए दोस्तों करते हैं इसको ओपन। दोस्तों बॉक्स की पैकेजिंग नॉइस की सेम सी रहती है, जैसे कि ग्रेइश। ज़्यादातर मैंने वॉच ब्लैक ऑर्डर करी थी नॉइस की, तो उसी तरह की बॉक्स पैकेजिंग है। बॉक्स यहाँ से डैमेज भी है थोड़ा सा, और यहाँ पे हम इसकी सील को ब्रेक कर लेते हैं। इस तरफ भी हमें सील मिलती है। उसको हम निकाल लेते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पे एक माइक्रो USB डेटा केबल मिलती है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि टाइप सी फ़ोन आ रहे हैं तो टाइप सी डेटा केबल होनी चाहिए थी। लेकिन कोई नहीं कि हमें माइक्रो एक डेटा केबल मिलती है, जिसके पास है नहीं तो ये उसमें मिलती है, अच्छी बात है। और अंदर हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, इस साइड भी कुछ नहीं है, बस एक हमें ब्लूटूथ स्पीकर मिलता है। दोस्तों जो ब्लूटूथ स्पीकर की क्वालिटी है वो बहुत प्रीमियम है, मतलब मैं हाथ में लेके आपको बता नहीं सकता। लेकिन आप जब इसको हाथ में लेंगे तब आप इसको फील करिएगा कि बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में आता है। ये पूरा कपड़ा है ऊपर चढ़ रहा है, और इस तरफ हमें रबर फिनिश मिलती है, और नीचे की तरफ हमें ये देख सकते हैं ये स्पीकर है, सक्शन टाइप में है। दोस्तों हमने साइड में सबको रख के अब हम स्पीकर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये रबड़ में इसका नॉइस का लोगो मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पे हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इसमें एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, मेमोरी कार्ड से भी हम इसमें म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे LED लाइट का दे रखा है, और यहाँ पे हमें चार्जिंग पॉइंट मिलता है। इसमें हम पेन ड्राइव नहीं लगा सकते। चलिए दोस्तों इसको मैं बंद कर लेता हूँ, और यहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से हम म्यूज़िक पॉज कर सकते हैं, यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं वॉल्यूम को। चलिए दोस्तों हम ऑन करते हैं इसको। ये ऑन हो गया है, यहाँ पे देखिए LED लाइट ब्लिंक हो रही है। दोस्तों अगर इसकी मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो मैं आपको अगर सुनाऊंगा तो ऐसे आपको पता ही लगेगा। अगर मैं 10 में से रेटिंग करूँ साउंड क्वालिटी के बारे में, तो इसको मैं 8 रेटिंग देना चाहूँगा, कि 3 वाट के हिसाब से साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। आप जरूर इसको प्रिफर कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लाउड गाने नहीं सुनने। बेस वेस काफ़ी अच्छा है इसका। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, और कोई नीचे क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं आप मेरे से। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।